आज हम आपको सबके लिए योग, सहज योग, योग इन डेली लाइफ, योग हमारी जीवन पद्धति बने और बच्चों से लेकर के जवानों और बड़ों तक सब योग अभ्यास करें। जिनके शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी है वे भी योग अभ्यास करें और जिनके शरीर में कम फ्लैक्सिबिलिटी है वे भी योग अभ्यास करके अपने तन को मन को स्वस्थ सुंदर और दिव्य बनाएं। क्योंकि योग का नाम लेते ही लोग डर जाते थे। योग माने शीर्षासन, ये भी योग की एक पद्धति है, योग की एक प्रक्रिया है। ये शीर्षासन आपने किया, फिर आपने वृक्षासन कर दिया, माथा घुटनों से लगा दिया, पीछे जो गए तो चक्रासन हो गया, आगे झुक गए तो पश्चिमोत्तानासन हो गया, पैरों को उठा दिया तो ये सर्वांगासन हो गया, पीछे झुका दिया तो हलासन हो गया, लेट करके वो ये चक्रासन हो गया, और नाभि की दोनों ओर कोहनियां लगा के दोनों तरफ से शरीर को उठा दिया तो ये मयूरासन हो गया। अब इन कठिन आसनों को देख करके लोग डर जाते थे। योग हमारे बस की बात नहीं। कुछ लोगों ने योग को बहुत रहस्यपूर्ण बना दिया, तो कुछ लोगों ने योग को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। ठीक है, योग को कोई अपना प्रोफेशन बनाता है तो उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन योग को इतना जटिल ना बनाएं कि आम आदमी देख करके डर जाए। तो सबके लिए योग, योग फॉर ऑल, सहज योग, सरल योग, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे, कुछ अभ्यास खड़े होकर के, कुछ अभ्यास उल्टे लेट करके, कुछ अभ्यास सीधे लेट करके करेंगे, और बहुत सरल सरल अभ्यास करेंगे, जटिल अभ्यास नहीं करेंगे। शुरुआत आप सूक्ष्म व्यायाम से कर सकते हैं। जो कोई आसन कोई पोस्चर नहीं कर पाता वो सूक्ष्म व्यायाम तो कर सकता है। ऐसे उंगलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया, फिर ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर ऐसे पैरों को हिला दिया, फिर ऐसे कर दिया दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, फिर पैरों को खोल के ऐसे कर लिया। ये तो सब कर सकते हैं ना। फिर ऐसे बटरफ्लाई कर ली, उंगलियों को ऐसे मोड़ा सीधा किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे, और लंबे लंबे श्वासों के साथ एक दूसरे के विपरीत दबाव दिया तो एक कंपन सा पैदा हो जाता है गर्दन में। ऐसे बहुत सरल है, सब कर सकते हैं। ये सूक्ष्म योगाभ्यास हो गया, सहज योगाभ्यास हो गया। अब बैठ करके करने वाले को सहज आसन। अभी जो इसको आसन को मैं कर रहा हूँ, ये सिद्धासन है। बाएं पैर को ऐसे मोड़ा, दाहिने को उसके ऊपर रख दिया, ये सिद्धासन हो गया। इसी में बैठ करके आप प्राणायाम, ध्यान, बहुत सी योग की क्रियाएँ मुद्राएँ कर सकते हैं। दाएं पैर को उठा के बाएं पर रख दिया, बाएं को उठा करके दाएं पर रख दिया, ये हो गया पद्मासन। अब पद्मासन बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द है वे पद्मासन और वज्रासन भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मत कीजिए। और इसमें भी फिर पीछे से ऐसे पैरों को पकड़ना, बद्ध पद्मासन करना बहुत कठिन हो जाता है, ये ना करें। इसमें ऐसे उठाना ऊपर पूरा, फिर उठा करके रोक के रखना, ये कठिन हो जाता है, ये ना करें। आप सरल करें ना, ऐसे पद्मासन किया, फिर पद्मासन में आगे झुक गए,
आगे झुक जाना। तो आगे जब आप ऐसे झुक जाते हो तो पेट का पूरा व्यायाम हो जाता है इसमें। ये योग मुद्रासन है। अब योग मुद्रासन ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें पीछे झुक गए तो मत्स्यासन हो गए, आप इतने झुक पाए तो ऐसे ही झुक जाए, ऐसे कर पाए तो ऐसे भी कर, ना कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे आप वज्रासन में बैठ करके आगे झुक जाते हैं तो मंडूकासन का पहला अभ्यास, हाथों की हथेलियां नाभि पर रख करके झुक जाते हैं तो ये दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आगे झुक जाते हैं तो ये शशकासन का अभ्यास हो गया, पीछे झुक जाते हैं तो सुप्त वज्रासन हो जाता है। जितने आसन आप आसानी से कर पाए उतना ही उपयुक्त है। सीधे बैठ जाते हैं तो यह दंडासन हो जाता है। अब इसमें आगे झुक जाते हैं, हाथ उठा करके साइड से आगे झुक गए, जितना झुक पाए उतने झुक जाए तो ये पश्चिमोत्तानासन हो गया। कुछ इतने झुक पाएंगे, कुछ और नीचे आएंगे, कुछ माता घुटनों से लगा देंगे, जितना झुक पाए उतने झुक जाए, पश्चिमोत्तानासन हो गया। दाहिने पैर को मोड़ा और बायां हाथ बीच से डाला और दाहिनी ओर से पीछे ऐसे घूम गए तो वक्रासन हो गया, पीठ पीठ के लिए बहुत अच्छा। थोड़ा फ्लेक्सिबल है शरीर तो ऐसे अर्धमत्स्येन्द्रासन भी कर सकते हैं। बाएं पैर मोड़ा, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के बाहर क्यों रखा, बाएं हाथ छाती और पैर के बीच से डाला, उससे पंजे को पकड़ लिया जो आगे है और दाहिना हाथ पीछे से ऐसे घुमा दिया और ऐसे घूम गए, ऐसे दूसरी तरफ से कर लिया। तो ये अर्धमत्स्येन्द्रासन हो गया, डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है यह अभ्यास। ऐसे ही बाएं हाथ से दाहिने पैर को ऐसे पकड़ा और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे खींच दिया तो आकर्ण धनुष टंकार आसन हो गया। विविध प्रकार से शरीर का संतुलन बनाना, माने सीधे बैठ करके ऐसे बहुत प्रकार के आसन है। खाने के बाद वज्रासन में तो सभी ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ गए। जिनको धातु रोग हैं तो पैरों को बाहर ऐसे निकाल दिया तो ये ब्रह्मचर्य आसन हो गए, इस तरह से पैर बाहर निकल गए। जिनको भी धातु रोग है उनके लिए विशेष उपयोगी है ये ब्रह्मचर्य आसन हो गया। आगे से ऐसे खोल करके और दोनों हाथ बीच में रख करके ये सिंहासन हो गया। कितने आसन हैं, ऐसे ही दाहिने पैर के पंजे को खड़ा किया, उसकी एड़ी को धनुष के साथ लगा दिया और उसके ऊपर बायां पैर रख दिया और ऐसे शरीर के संतुलन को बनाया। तो ये पादमुष्टासन हो गया, इसे दूसरी तरफ से कर लिया, ये भी ब्रह्मचर्य के लिए बहुत उपयोगी है। सीधे बैठ करके ऐसे बहुत प्रकार के आसन किए जाते हैं। वज्रासन में बैठ करके एक समूह है, पद्मासन में बैठ के एक समूह है, फिर ऐसे आप घुटनों के ऊपर ऐसे बैठ गए तो ये अर्ध उष्ट्रासन हो गया। ऐसे हाथों को ले आए अथवा ऐसे हाथों को ले आते हैं, ऐसे ये उष्ट्रासन हो गया।
योग अभ्यास में एक बार आगे झुके, एक बार पीछे झुके, आगे और पीछे से जब झुकते हैं तो इससे बॉडी का बैलेंस बनता है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे शरीर को खींचते हैं तो शरीर का संतुलन, शरीर की लघुता, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर की ऊर्जा को ऐसे बढ़ाते हैं विविध प्रकार से। अब बच्चे हैं तो वे ऐसे वृषिकासन कर लेते हैं। अब बड़ों से थोड़ी दिक्कत आएगी, बच्चे तो आसानी से पैर माथे पर रख लेते हैं, बड़ी उम्र में थोड़ी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। तो जितना आप आसानी से कर पाए उतना कर लें। अब बड़े बच्चे आराम से पैरों को खोल करके और आगे झुक जाते हैं और माथा लगा देते हैं, छाती लगा देते हैं, तो ये भूलमन आसन हो जाता है। कितने ऐसे आसन हैं अलग अलग प्रकार से, एकपाद ग्रीवासन, द्विपाद ग्रीवासन, गर्भासन, तो सरल सहज आसनों की मैं बात कर रहा था। ऐसे ही बैठ करके करने वाले आसनों के बाद आप जो बहुत ही सरल सहज आसन है खड़े होकर के करने वाले आसन कर लेते हैं। आप दोनों हाथों को ऐसे साइड से ऊपर उठाया, सिर के ऊपर रख लिया और ऐसे ऊपर की ओर बांध दिया। ये ताड़ासन हो गया। अब ताड़ासन में जब पैर खोल करके साइड में झुक जाते हैं तो ये तिरेक ताड़ासन हो जाता है। सब कर सकते हैं इसको। और जब एक हाथ ऊपर उठाते हैं और ऐसे साइड में झुकते हैं तो त्रिकोणासन हो जाता है। किसी का हाथ घुटने का के पास, किसी का अटकने तक आ जाएगा, ऐसे ही अभ्यास हो जाता है। और जब हाथ से क्रॉस करके पैर को छूते हैं तो ये कोणासन हो जाता है। जितना बन पाए उतना कर लें। इसको तेजी से भी ऐसे कर सकते हैं, मोटापा के लिए करवाते हैं हमेशा। आगे झुकते हैं तो पश्चिमोत्तानासन हो जाता है। पीछे झुकते हैं तो चक्रासन अथवा अर्धचक्रासन हो जाता है। सरल सहज आसन तो सब कर सकते हैं। गरुड़ासन कठिन होता है, उसमें शरीर का बहुत अधिक संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन ध्रुवासन और वृक्षासन तो सब कर सकते हैं। ये ध्रुवासन हो गया, स्थिर हो गया, एकाग्रता बढ़ेगी। हाथ ऊपर उठा दिए, वृक्षासन हो गया। इसे दूसरी ओर से कर लिया। कितने सरल सहज आसन। हाँ, कुछ कठिन आसन भी हैं, लेकिन कठिन आसन सबके लिए जरूरी नहीं है। आप जितना कर पाए उतना कर लें। अब इसमें भी ऐसे शरीर के संतुलन के लिए ऐसे कर लिए। विविध प्रकार से आसन किए जाते हैं शरीर के संतुलन के लिए। अब दोनों हाथों को सामने खोल दिया, दोनों पैर खुले हुए हैं और ऐसे साइड में होंगे, कटचक्रासन हो गए। और इसी का दूसरा अभ्यास है, दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रख लिया, बाएं हाथ पीछे जंघा के ऊपर और ऐसे कंधे के ऊपर से घूम करके विपरीत दिशा के पैर के लिए बाएं कंधे से दाएं कंधे के बीच में उठा और ऐसे दूसरी ओर से।
बहुत सरल सहज आसन है, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके, कई तरह से आप आसनों का अभ्यास करते हैं। आप खड़े खड़े भी योगाभ्यास कर सकते हैं। अब खड़े खड़े सूक्ष्म व्यायाम आपने जैसे बैठ करके किया, ऐसे खड़े खड़े भी सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, ऐसे ऐसे माने जो है योग बहुत ईजी है। आप फ्लाइट में बैठे हुए, आप फ्लाइट में बैठे बैठे आप कुर्सी पर बैठ के पैरों को ऐसे ऐसे हिला रहे, आगे पीछे ऐसे घुमा लेते हैं, तो बैठे बैठे पैर जकड़ जाते हैं। तो आप फ्लाइट में बैठे बैठे भी हाथों के पैरों के उस सूक्ष्म योग का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फ्लाइट में भी आप कर सकते हैं। कितना सरल सहज है योग, चाहे वो योगासन हो, चाहे वो प्राणायाम हो या ध्यान हो। सांसों पर ऐसे बैठे और आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, आप सुखपूर्वक संतुष्टि पूर्वक जीना चाहते हैं, और सुख तो स्वयं में। जब हम पूर्ण मौन में होते हैं, अपनी निजता में होते, अपनी पूर्णता में होते, तो कितने सुखी होते हैं। तो ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान आप एकांत में भी कर सकते हैं, और चलते फिरते भी जब आप स्वयं में होते, अपनी स्वाधीनता में होते हैं, अपनी निजता में होते हैं, तो सहज ध्यान होता है। तो एक योग है एक घंटे का, दो घंटे का, एक सहज योग है। 24 घंटा आप योगमय जीवन जी सकते हैं, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक आप सबको योग्य बना सकते हैं। अपने घर में एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि छोटे बच्चों से लेकर, छोटे बच्चे बटरफ्लाई तो आराम से कर लेते हैं ना, छोटे बच्चों को बटरफ्लाई से योग कराना शुरू करवाइए। बटरफ्लाई करेंगे बच्चे, वज्रासन में बैठेंगे बच्चे, कितनी सरल है योग की क्रियाएं। तो योग बहुत सरल है, बहुत सहज है, और सबके लिए है। योग यदि हमारी जीवन शैली नहीं बनेगा तो रोग हमारी जीवन शैली बन जाएंगे। हमें रोगों को जीवन शैली नहीं बनाना, योग को जीवन शैली बनाना है। और लाखों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में दवाओं में बर्बाद हो रहे हैं, औषध रूप से दुनिया के सभी लोगों का आधा पैसा लगभग बीमारियों के इलाज में, उपचार में खर्च हो जाता है। कुछ पैसा नशे में खर्च हो जाता है, कुछ पैसा मुकदमों में खर्च हो जाता है, झगड़ों में खर्च हो जाता है, कुछ पैसा हमारा फिजूल खर्ची में, प्रदर्शन में खर्च हो जाता है। जीवन को बहुत सहजता और दिव्यता से जिए, और योग करने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत ऊंचा होता है। हमने योग फॉर ऑल, योग इन डेली लाइफ, जीवन पद्धति में योग, जीवन शैली में योग, योगमय जीवन शैली, सरल योगासनों की तरह ही 5 बहुत ही सरल सहज प्राणायाम है, उनको भी आप रोज कर लीजिए, और 1-2 मिनट का ध्यान कर लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम कितना सरल है, सब कोई कर सकते हैं। जो कमजोर हैं और धीरे कर सकते हैं, जो बलवान हैं वो तेजी से कर सकते हैं। सबके लिए है योग, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, रोगियों के लिए, निरोगियों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब जाति, सब मजहबों के लिए। कपालभाति प्राणायाम कितना सरल है, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, पूरी बॉडी की इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है, और मूलाधार से सस्रार तक हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते हैं।
हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही अच्छे हो जाते हैं इससे। अग्निसार कितनी सरल क्रिया है, ऐसे ही उज्जयी प्राणायाम भी गले थायराइड के लिए बहुत सरल है। गले को टाइट करते हुए सांस अंदर भरते हैं, थोड़ी देर रोक करके रखते हैं और दाहिने हाथ को मिल करके बाएं से छोड़ देते हैं। अनुलोम विलोम कितना सरल है, बाएं से दिया दाएं से छोड़ दिया, दाएं से दिया बाएं से छोड़ दिया। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सब नस नाड़ियों के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, स्ट्रेस के लिए, माइग्रेन पेन डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा लिया मैसोटोमेन डिजीज और कैंसर जैसे रोगों के लिए। ब्राह्मी प्राणायाम कान अंगूठे से बंद कर लिए, मुख को बंद किया, ओंकार का नासिका से किया, ब्राह्मी के बाद उद्गीत प्राणायाम कर लिया, थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान कर लीजिए। ओंकार का, गायत्री का, या जो आपको अभिष्ट है उसका जप कर लीजिए। आपको कोई जप नहीं करना, तो बस मात्र श्वासों को दृष्टा होकर के देखिए और अपनी पूर्णता का अनुभव कीजिए। भगवान ने मुझे ज्ञान की पूर्णता दी है, प्रेम करुणा वात्सल्य की पूर्णता दी है, सब प्रकार की शक्तियों से, सब प्रकार के ऐश्वर्य से मुझे युक्त किया है अपनी पूर्णता में। ऐसे एक दो मिनट रहना, अपनी पूर्णता में रहते हुए आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा आती है उसके अनुरूप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमें केवल अपने लिए नहीं जीना, ये सारी समष्टि हमारे लिए है, तो हमारा जीवन भी पूरी समष्टि के लिए होना चाहिए। ऐसे हर रोज सहज योगासन, सहज प्राणायाम, सहज ध्यान कीजिए, सहज योग कीजिए। एक घंटा ही नहीं, 24 घंटा योगमय जीवन जीजिए, 24 घंटा योगमय जीवन जीना, यही है संपूर्ण जीवन का योग, पूरा जीवन ही योग है। Welcome to Heartfulness Meditation. Please approach this meditation with an attitude of openness to fresh experience. Heartfulness meditation is aided by a very subtle transformative energy called pranahuti or transmission. Choose a place where you can meditate without being distracted. Turn off your phone or any device that may disturb you. Make sure you're sitting comfortably. You can sit cross-legged or in a chair. Let your hands rest in your lap, loosely clasped. Let your eyes be closed gently. Let your back be upright but not rigid. Feel free to change your posture during meditation if you feel uncomfortable. We will begin with the simple practice of heartfulness relaxation. Once you feel relaxed, you will be guided into the heartfulness meditation. We will all meditate together in silence, so we may feel the peace that surfaces when we turn our attention inward and dive deep into our hearts. Through the heart, we find unity. Through the heart, we create a feeling of well-being. First, relax. Close your eyes very gently, very softly. We will begin with our toes. Move your toes. Relax them. Imagine the soothing, healing energy from the earth moving up into your feet, slowly relaxing them
Feel it relax your toes, the soles of your feet, your ankles. As this energy moves upwards, relax your calves, relax your knees. Feel it relax each and every muscle in your thighs deeply. Feel both your legs becoming totally relaxed. Relax your stomach, your waist, your hips. Let go of any tension or stress you may be holding there. And relax. Allow your back to soften. From your tailbone to your shoulders, feel your entire back relaxing. Relax your chest. Relax your shoulders. Let this healing energy from the earth melt away any tension or stress you may be holding on your shoulders. Feel your shoulders melt away and relax. As this energy moves down your arms, relax them. Feel it relax your upper arms, your elbows, your forearms, your wrists, your hands. Let the energy flow out of your fingertips, leaving both your arms deeply relaxed. Relax all the muscles in your neck. Bring your awareness to your face and relax it. Feel the healing energy from the earth. Relax your jaws, your mouth, your lips. Feel your ears relax. Breathe normally. Relax your nose. Keep your eyes softly closed. Relax them. Relax your forehead. Feel all the tension, stress, and anxiety there simply melt away. As this healing energy from the earth moves further upwards, relax your entire head all the way to the base of your skull. Feel now how your whole body is totally relaxed. Take a moment, scan your system from top to toe. And if there is any part of your body that is still tense, painful, or unwell, feel it being immersed in the healing energy of the earth for a little while longer. When you're ready, move your attention to your heart. Rest there for a little while. Feel immersed in the love and light in your heart. Now, we will meditate together. Make a suggestion that the source of divine light that is already present inside your heart
is attracting your attention towards it. Gently relax into that feeling. Let it be a very light suggestion, without force or concentration. If you find your awareness drifting to other thoughts, do not fight them, but also do not entertain them. Let them be like clouds passing in the sky. Gently remind yourself that you're meditating on the source of divine light in your heart. Be open and receptive to the transmission that will be flowing into you. Allow your awareness to melt into your heart. Remain absorbed within your heart until you hear the meditation has ended. Please start meditation. Thank you.
That's all. Keep your eyes closed for a little while longer and tune in to how you feel. Absorb all the peace that you have experienced. Now, imagine that this peace is expanding outward to everyone, uniting everything around you, and is encircling the world. When you open your eyes, take the time to enjoy the experience. You can write your experience in a journal. It will help you to develop awareness and observation. We thank you for expanding this feeling of peace, unity, and well-being around the world.